दोस्तों पितृ पक्ष की शुरुआत 13 सितंबर यानी शुक्रवार से आरंभ हो चुकी है और यह 28 सितंबर तक चलेगी। पितृ पक्ष में हमारी पितृ धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए तर्पण से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है और यह क्रिया 15 दिनों तक चलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को देवता की पूजा करने से पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए और पितृ पक्ष से अच्छा दिन और क्या हो सकता है, क्योंकि इस दिन साक्षात हमारे पितृदेव हमसे मिलने धरती पर आते हैं। ऐसे में हर किसी का फर्ज बनता है कि वह अपने पितरों का तर्पण करे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कराए ताकि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बरसे। दोस्तों इतना ही नहीं, पितृ पक्ष को लेकर तो ऐसी मान्यता भी है कि यदि आप इन दिनों पितरों को तर्पण और उनकी पूजा करते हैं तो इससे न केवल पितृदेव प्रसन्न होते हैं बल्कि सभी देवता भी इससे आपसे प्रसन्न होते हैं। और आखिर पितृपक्ष क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है यदि कोई भी परिजन अपने पितरों की विधिवत पूजा अर्चना करता है, उनका तर्पण करता है, तो इससे पितरों को मृत्यु लोक में भटकना नहीं पड़ता और उनकी आत्मा मुक्ति प्राप्त कर लेती है, जिससे उनका आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होता है। वहीं अगर आप यह क्रिया ना करें यानी पितृपक्ष में आप पितृ तर्पण इत्यादि की क्रिया ना करें तो आपको पितृ दोष लग सकता है, क्योंकि आपके पितरों को बगैर तर्पण इत्यादि के मृत्यु लोक में ही घूमना पड़ता है और उन्हें तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं जिस कारण उनकी आत्मा दुखी हो जाती है और जिसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ता है पितृ दोष के रूप में। आपको बता दूं कि पितरों की आत्म शांति के लिए पिंड दान करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऋषि मुनि के जमाने से ही यह क्रिया आती चली जा रही है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि इन पितृ पक्षों के दौरान आपको ये कुछ खास संकेत दिख जाए तो इसका साफ साफ मतलब है कि पितृदेव जो आपके पितृदेव हैं उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है और उनकी कृपा आपके ऊपर है। वह आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा भावनाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं और उनकी कृपा आप पर है, वह हर प्रकार की विपदा से आपको बचा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे जाने कि हमारे पितर हमारे साथ हैं और हमारी पल पल सहायता कर रहे हैं, इन संकेतों के माध्यम से आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर ये सभी संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो समझ लें कि पितृदेव आपके साथ हैं और देवताओं की कृपा भी आप पर बरस रही है। अगर इन श्राद्धों के दौरान आपके पूर्वज यानी कि आपके स्वर्गवासी दादा या परदादा कोई भी आपके सपने में आता है और वह प्रसन्न मुद्रा में दिखता है यानी कि उनके चेहरे में खुशी है तो इसका साफ साफ मतलब है कि वह आपसे खुश हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपने किसी परिजन को याद कर रहे हैं जो आपको बहुत प्यारे थे, जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं और अचानक आपका जो रुका हुआ काम होता है वह संपन्न हो जाता है, यानी कि कोई बहुत दिनों से अटका काम अचानक बन जाए, तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि आपके पितृ देव की कृपा आप पर है। दोस्तों इसके साथ ही यदि इन श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आपको सांप अपने सपनों में दिख जाए तो इसका साफ साफ संकेत है कि आपके पितृ देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, खास करके काला रंग का सांप। जी हाँ दोस्तों, अगर काले रंग का सांप आपको पितृ पक्ष के दौरान यानी इन 15 दिनों के दौरान आपको सपने में दिखाई देता है तो इसका अभिप्राय होता है कि आपके पितृ देव आपके पूजा पाठ इत्यादि से प्रसन्न हैं तथा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। दोस्तों इसके साथ ही अगर किसी स्वस्थ सदस्य की मृत्यु हुई हो और वह सपने में आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत दर्शाता है कि वह आपसे अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहता है और उसे आपको समझने का भी प्रयास करना चाहिए, या फिर इसे ऐसा समझिए कि स्वर्गवास होने से पहले ही उसकी कोई प्रबल इच्छा थी जिसे वह पूरा करना चाहता था किंतु कर नहीं पाया। तो यदि आपको उस इच्छा का पता चल जाए तो उसे अवश्य पूरा कर ले, इससे उस स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही आपके भी परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते तो हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं तथा इस सपने को हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि मृत परिजन हमारे स्वपन में आए और कुछ बोले ना तो ऐसे सपने के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही
गतिविधियों से हमें आगाज करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। स्वप्न शास्त्र में यह भी एक और स्थिति को दर्शाया गया है, यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले ना, तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर यदि वह सपने में आकर आपको उदास दिखाई दे या आपको आभास हो कि वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं हो रहे, तो ऐसे कार्यों को आप तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकता है। क्योंकि सपनों के माध्यम से ही हमारे पूर्वज हमें पहले ही आघात तो कर देते हैं, परंतु हम उनको समझ ना पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ है और खासकर इन श्राद्धों के बीच में आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि वह स्वस्थ दिखाई दे, तो यह संकेत होता है कि उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है, और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यही संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ ना दी। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसा सपना देखने के बाद आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का जन्म अब किसी अच्छे स्थान पर हो गया है तथा वह खुश हैं। कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं, खास करके श्राद्धों के दिनों में, जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं किंतु मुख से कुछ बोल नहीं पाते। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पैरों में उनके जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रहे, या फिर वह भूखे दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा आपको आभास हो तो यह भी एक संकेत है कि जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं या फिर उन्हें भूख लगी है, इन चीज़ों को आप उस मृत के नाम से या तो ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी मंदिर में जाकर भी आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। और इन्हें दान करते समय मन में ऐसा ध्यान करें कि ये सभी चीजें उस स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा दोस्तों, इन श्राद्धों के दौरान कहीं से यदि आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए या आपका कोई भी रुका हुआ धन आपको मिल जाए, तो इसका मतलब है कि पितृ देव आप पर बहुत प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। इसके अलावा दोस्तों, यदि इन श्राद्धों के दौरान आपको सपनों में किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब होता है कि इस व्यक्ति के सभी कार्य जल्द संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको भी कोई विचित्र सपना इन श्राद्धों के दौरान दिखाई दे रहा है या आप किसी सपने के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तथा कृपया इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।